गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में आईएससी क्लास 12 अकाउंटेंसी एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाता है, उसका आंसर समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने आईएससी अकाउंट्स पेपर 2015 में आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ट बाय ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल किसको बोलेंगे? आंसर दिया है, एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एसेट्स को एक्वायर करना है प्रोसेसिंग पर्पस के लिए, यूज करना है और लास्ट में उसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस काम को करने में जो पीरियड लगता है, दैट पीरियड इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, उसी को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो फिर से देखिए, एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। When the normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to have duration of 12 months. अगर operating cycle question में नहीं दिया गया है या बताया नहीं गया है, तो operating cycle को normally 12 month ही assume किया जाता है। ठीक है, next question देखो आप, state one difference between partners loan account and partners capital account. First of all, partners loan लाइबिलिटी है, एडिशनल अमाउंट कैपिटल के अलावा कोई पार्टनर अगर बिजनेस को पैसा देता है तो उसको पार्टनर्स लोन बोलते हैं। अब पार्टनर्स लोन के ऊपर अगर एग्रीमेंट में नहीं बोला हो तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करते हैं 6% पर एनम, आ इंटरेस्ट ऑन लोन ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर एग्रीमेंट देते हैं, पार्टनर कोई भी बनेगा तो उसको कैपिटल लाना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर एग्रीमेंट बोलेगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है और हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यहां देखिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट इज एन अकाउंट टू विच लोन गिवेन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन क्रेडिटेड। पार्टनर्स लोन अकाउंट में लोन का पैसा और उसका इंटरेस्ट का पैसा रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है, कोई इंटरेस्ट कैपिटल पे अलाउ नहीं होगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, और एक क्वेश्चन देखो आप, हाउ विल द फर्म रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस का जो पेमेंट होगा उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? विच वेयर टू बी बॉर्न बाय ए पार्टनर, ये पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस होगा क्योंकि लिखा हुआ है बॉर्न बाय द पार्टनर। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय द पार्टनर, ये पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस हुआ लेकिन पेड बाय द फर्म ऑन हिज बिहाफ। पेमेंट फर्म के द्वारा हो रहा है जबकि ये एक्सपेंस का पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस माना गया है क्योंकि बर्न हो गया है, तो इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे। जिस पार्टनर के बिहाफ में दिया गया उसको डेबिट कर देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। बीइंग एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर पेड, जिस पार्टनर के बिहाफ में ये एक्सपेंस पेड किया गया है उस पार्टनर से रिकवर किया जाएगा, इसलिए उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और चूंकि हमारे घर से कैश या बैंक का पेमेंट हुआ है तो कैश और बैंक क्रेडिट कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रखा गया, गिव द एडजस्टिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग कमीशन अलाउड टू ए पार्टनर व्हेन द फर्म फॉलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। याद रहेगा, करंट अकाउंट से एंट्री करना है, कमीशन का एंट्री करना है, तो फर्स्ट पार्टनर कमीशन
अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड बोला है, बीइंग कमीशन अलाउड टू पार्टनर। ठीक है, पार्टनर को कमीशन देना है तो पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। ये हो गया आपका एडजस्टिंग एंट्री। अब ये कमीशन पीएल एप्रो का टू में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, पीएल एप्रो का टू में चला जाएगा, बीइंग पार्टनर्स कमीशन ट्रांसफर। ठीक है, तो पहले कमीशन ड्यू होता है तो कमीशन टू पार्टनर, दैट इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब फिर इस कमीशन को ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मिनिमम प्राइस एट विच ए कंपनी कैन री इश्यू इट्स फॉरफिटेड शेयर विच आर ओरिजिनली इश्यूड एट पार। जब हम लोग फॉरफिटेड शेयर को री इश्यू करेंगे तो मिनिमम प्राइस क्या है जिस पे शेयर को री इश्यू करेंगे, इसको आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए। दस रुपया का शेयर था, दस रुपया कॉल्ड अप किए थे, एक शेयर होल्डर कॉल सीनेरियर कर दिया। कॉल सीनेरियर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया से चार रुपया, तो शेयर फॉर फ्यूचर में चला गया छः रुपया, तो चार रुपया नहीं मिला, इसलिए दस रुपया का शेयर फॉरफिट कर लिए तो कंपनी को इनकम हुआ छः रुपया। कंपनी अगर इस शेयर को दोबारा री इश्यू करता है तो मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकता है जितना वो प्रॉफिट कमाया है, दैट इज मैक्सिमम डिस्काउंट छः रुपया, तो इशू कर सकता है चार रुपया, कम से कम वो चार रुपया में बेच सकता है। तो इसका मतलब एरियर का पैसा रिसीव करके शेयर को बेच सकता है, तो मिनिमम प्राइस क्या हुआ, जो पैसा उसको नहीं मिला था ऑन दैट शेयर, दैट इज एरियर। देखिए, द मिनिमम प्राइस एट विच ए कंपनी कैन री इशू इट्स फॉरफिटेड शेयर इज द अमाउंट कलेक्टेड ऑन फॉरफिटेड शेयर, दैट इज कॉल्ड सिनेरियर, नॉट कलेक्टेड। जितना पैसा उसको नहीं मिला दैट इज कॉल्ड सीन एरियर। तो अगर कोई शेयर होल्डर चार रुपया फेल किया, शेयर फॉरफिट कर लिए, तो दूसरे शेयर होल्डर को मिनिमम चार रुपया लेके उस शेयर को री इश्यू किया जा सकता है। तो मिनिमम प्राइस अगर बोला जाए तो कॉल्ड सीन एरियर, और मैक्सिमम डिस्काउंट बोला जाए तो शेयर फॉर फ्यूचर। ओके, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट सेक्शन बी में आता है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव बताना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। पहला, कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन, टू प्रोवाइड कॉमन बेस। कॉमन साइज स्टेटमेंट में रेवेन्यू स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स लायबिलिटी को बेस मानते हैं। टू प्रेजेंट द चेंज इन द वेरियस आइटम इन रिलेशन टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज। ओके, तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट अगर बनाते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान के ईच एंड एवरी आइटम का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब बैलेंस शीट अगर बनाते हैं तो टोटल एसेट्स से टोटल एसेट्स से इंडिविजुअल एसेट का परसेंटेज, टोटल लायबिलिटी से इंडिविजुअल लायबिलिटी का परसेंटेज कैलकुलेट करके कंपेयर करते हैं। तो ये दो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये आईएससी 2015 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर था। ओके, थैंक यू, बाय।